नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दलों की प्राथमिकता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता है देश के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना। लेकिन आज बीजेपी के दफ्तर के अंदर ही एक सरपंच ने बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर दी, आईना दिखा दिया कि बीजेपी की प्राथमिकता क्या है। और सरपंच के सवाल का जब जवाब देते नहीं बना तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरपंच के साथ कैसा व्यवहार किया, बीजेपी दफ्तर के अंदर का यह सीन पूरी हकीकत को दिखाता है। वडोदरा में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन था, शानदार दफ्तर बना है, हर जिले में बन रहा है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल भाषण दे रहे थे तो सरपंच साहब अपने गांव के स्कूल को लेकर सवाल करते हैं और फिर क्या सीन बनता है जरा देखिए। तो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, कहते बनाएंगे बनाएंगे, मतलब टालने वाली बात करते हैं। सरपंच साहब फिर थोड़ी तेज आवाज में बोलते हैं तो एक बार फिर देखिए कार्यकर्ता किस तरह हाथ पकड़कर जबरदस्ती उनको साइड करते हैं। कायदे से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी और उसका संतुष्टि पूर्वक जवाब देना चाहिए था, लेकिन किस तरह का व्यवहार करते हैं एक बार फिर ये वीडियो देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह का व्यवहार करते हैं सरपंच साहब के साथ। ये देखिए, एक इधर से आते हैं, फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, फिर दो कार्यकर्ता इधर से हाथ पकड़ेंगे और किस तरह का व्यवहार करते हैं ये देखिए कि भैया चुप रहो, इस तरह के सवाल ऐसे मौके पर नहीं करते। शानदार दफ्तर बना है बीजेपी का। सरपंच साहब ने सवाल उठाया कि बीजेपी के दफ्तर तो शानदार बन रहे हैं, हमारे गांव में स्कूल कब बनाओगे? तो बीजेपी अध्यक्ष टालते नजर आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरपंच साहब को पकड़कर साइड कर दिया। क्या किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ बीजेपी दफ्तर में एक वाजिब सवाल करने पर ऐसा व्यवहार करना चाहिए? गुजरात में सालों से डबल इंजन सरकार है, मोदी मॉडल की चर्चा की जाती है, यहां बीजेपी के दफ्तर में ही एक सरपंच सवाल करते हैं कि हमारे गांव में स्कूल कब बनेगा? तो गांव में स्कूल तक नहीं है, तो यह दिखाता है कि गरीबों के लिए काम करने की प्राथमिकता की हकीकत क्या है। आखिरकार ऐसे स्कूल किस राज्य में है जैसे बीजेपी के हाईटेक दफ्तर बन गए हैं, हर जिले में बन रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो मोटा पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल बीजेपी के कार्यालय बनने में किया जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर पार्टी चंदा लेती है, हर पार्टी अपने कार्यालय बनाती है, हालांकि इस तरह के कार्यालय कभी किसी दल ने नहीं बनाए जैसे बीजेपी के बनाए जा रहे हैं। लेकिन कभी तो सरकारी स्कूलों का भी ऐसा मॉडल देखने को मिले जैसे बीजेपी के हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं हर जिले में। कम से कम हर जिले में एक स्कूल तो ऐसा दिखाना चाहिए बीजेपी की सरकारों को। और मतलब का सवाल करने पर एक सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हाथ पकड़कर नौजवान कार्यकर्ता एक सम्मानित व्यक्ति को साइड में कर देते हैं कि ऐसे सवाल मत पूछो, यह हंगामा काटने की जगह नहीं है। आप इस तरह एक सरपंच के साथ व्यवहार करने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या वाकई बीजेपी के कार्यालय जैसे बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर भी बीजेपी सरकारें वैसा काम कर रही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।